हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ आपके लिए। है ना ये ब्यूटीफुल सी इयररिंग, कितना प्यारा है। इसमें आप कलर कोई सा भी बना सकते हैं, तो उसको मैं बनाना सिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या सामान चाहिए वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है। वेस्ट क्लॉथ लिया था मैंने, कार्डबोर्ड, एक रिंग बनाने के लिए ग्लू, सीजर, वही बेसिक सा सामान जो आपको आपके घर पर आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्कल काट लिया है कार्डबोर्ड पर विद द हेल्प ऑफ सीजर। तो ऐसे मैं यहाँ पर दो सर्कल बना रही हूँ और दोनों को हम काट लेंगे, मतलब कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर। और मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। लाइक, शेयर और फॉलो करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। थोड़ा कार्डबोर्ड हार्ड है तो कट करने में थोड़ा सा टाइट आपको लगेगा। तो यहाँ पर ये कटिंग कर ली है। इस पे जो है हम ये क्लोथ जो मैंने मेरे पास था, यही क्लोथ तो ग्रीन कलर का क्लोथ था, तो मैंने इसको जो है कट करके इस पे कपड़े को अच्छे से पेस्ट कर लिया है। बहुत बड़ा कपड़ा था तो सीजर से कट कर लिया। उसके थोड़े से एजेस को ना हम बीच बीच में से कट करेंगे ताकि जो है सर्कल बोर्ड पर अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे यहाँ पे कट लगाए गए हैं ताकि जो है ये प्रॉपर शेप ले ले अच्छे से। ग्लू आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फेविकॉल लेना चाहते हो तो फेविकॉल भी, फेविबॉन्ड लेना चाहते हो तो आप फेविबॉन्ड भी। मेरे पास ये ग्लू था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, ग्लू लगाएंगे और सारी तरफ से क्लोथ से कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। फिर मेरे पास जो कुंदन है, स्टोन्स है, मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया है, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। और बहुत ही सिंपल सा जो है मैं कान के टॉप्स बना रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टोन मैंने कहाँ से लिया आपको बता दिया है ताकि आपको पता रहे कि मटेरियल मैंने कहाँ कहाँ से लिए थे, ताकि अगर आप बनाना चाहें तो आपको भी जो है ईजीली मिल जाए। ये स्टोन ना बहुत छोटे छोटे से थे तो पेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने पेस्ट कर लिए हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहे और देखिए कि इसको कैसे पेस्ट किए गए हैं। ओह ये गिर गए, तो फिर से मैंने वापस उठा के लगा दिए। आप खुद बनाओगे कभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है स्टोन्स थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे थे मुझे लगाने में, क्योंकि मैं लगा रही थी और वो गिर जा रहे थे। तो ये देखिए मेरे वो लग चुके हैं। मैंने सोचा सेंटर में एक लगा दूँ पर ये मुझे ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। सेम प्रोसीजर हम दूसरे साइड भी करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट साइड देखा वैसे ही सेम, पर इस बार मैंने ना पेन से नहीं लगाया, हाथ से लगा लिया। हाथ से लगाना ज़्यादा आसान लग रहा था मुझे। और ये 1 2 3 एंड माई टॉप्स आर कम्प्लीटेड। बस इसके पीछे से हम जो है इयररिंग पिंस लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका वियरिंग लुक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि ये कितना प्यारा लग रहा है। रेडी नहीं हो पाए थे तो सिर्फ मैंने आपको इयरिंग का लुक दिखाया कि कान में कितना सुंदर लग रहा है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा है।
इजी पीजी क्राफ्ट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे इयररिंग्स अलग अलग कलर में बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हो। मुझे तो ये बहुत ही सुपर आइडिया लगा। मैंने थोड़ा सूखने का समय कम दिया जिसकी वजह से टॉप्स के जो पिन्स हैं थोड़े से हिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले अगर आप बनाओ तो इस पिन इसको सूखने देना अच्छे से, उसके बाद जो है इसके ऊपर जो कवरिंग क्लॉथ है आप वो लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप ख़ुद बनाना, अपने रिव्यूज़ में साथ ज़रूर शेयर करना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एक बार और आपको वेयरिंग लुक दिखा रही हूँ ताकि आप जो है इसको बनाएं और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस हफ्ते मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ज्वेलरिंग वीडियो लेकर आऊँगी, आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।